चटपटा खाने का तो सबका मन होता है, लेकिन उसे बनाने में झंझट भी लगता है। तो चलिए आज बनाएंगे झटपट बन जाने वाला 3 चटपटे स्नैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे मखाना चाट। मखाना चाट बनाने के लिए हमको यहाँ पर चाहिए लगभग 1 कप दही मैंने यहाँ पर लिया है, और उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और उसमें 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे। अब उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए हमारी दही फेंट चुकी है, जैसे हमने दही वड़े का दही तैयार किया था ना, वैसे ही सेम। अब हम पैन में 2 टीस्पून घी लेंगे, और जैसे ही घी गर्म गर्म हो जाएगा हम उसमें थोड़े से मखाने डाल देंगे। मखाने को हम अच्छी तरह से अभी हम भूनेंगे, उसको चलाते रहेंगे, चलाते हुए हम उसको भून लेंगे जब तक कि वो क्रंची नहीं हो जाता। ये देखिए अभी हमारे मखाने में से आवाज़ आ रही है, ये क्रंची हो चुका है। अभी हम एक बोल लेंगे, बोल में थोड़े से प्याज, थोड़ा टमाटर, थोड़े से उबले हुए आलू, धनिया पत्ती, थोड़ा सा नमक, आधा नींबू का रस, थोड़ा सा लेस का जो चिप्स होता है ना उसको क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा जो सेव होता है वो डालेंगे। मैंने यहाँ पर मूंग दाल नमकीन ली है, आप चाहे तो चना दाल नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं, और भुनो और जो हमने मखाने भुने थे वो डाल देंगे। हल्का सा चाट मसाला डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून ग्रीन चटनी ली है, आप अपने तीखे जितना आपको तीखा खाना पसंद है उसके हिसाब से डाल लें। टोमेटो केचप डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काला नमक, फिर से मैंने हल्की सी ग्रीन चटनी डाली है, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक प्लेट में, अब चलिए हम इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले हम ये डाल लेंगे प्लेट में। अब इसके ऊपर हमने जो दही फेंट के रखी थी वो डाल देंगे, थोड़ा सा हरी चटनी, टमाटो केचप, चाट मसाला, काला नमक हल्का सा, और मूंग दाल डालेंगे, थोड़ा सा सेव डालेंगे, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, और धनिया। आप चाहे तो यहाँ अनार के डाले भी डाल सकते हैं। हमारा मखाना चाट रेडी हो चुका है। हमारा दही वड़ा का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम बनाएंगे यहाँ पे लेस चाट। इसके लिए हमने एक बोल लिया है, बोल में 1 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज डाला है, थोड़ा सा प्याज, कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज मैंने यहाँ लिया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ करीब 1 पैकेट के करीब लेज लिया है, यहाँ पे मसाला लेज लिया, आप चाहे तो प्लेन लेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो मेयोनीज तैयार की थी वो डाल देंगे कुछ इस तरह से। अभी इस पे उबले हुए आलू डालेंगे, हरी चटनी डालेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप डालेंगे, मैंने यहाँ मूंग दाल डाला है, आप चाहे तो कोई भी नमकीन अपनी पसंदीदा नमकीन डाल सकते हैं, थोड़ा सा पतला वाला सेव डाला है जो हम पानी पूरी में यूज करते हैं ना वही वाला सेव, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, टमाटर कटे हुए, यहाँ पे चीज ग्रेट करके डाल दिया है मैंने। आपको जितना चीज पसंद हो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा टमाटर केचप वापस डाला है, थोड़ी सी धनिया पत्ती, काला नमक, चाट मसाला। ये देखिए हमारा लेस चाट तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे चना जोर गरम। इसे बनाने के लिए मैंने एक बोल में चना जोर गरम लिया है, उसमें कुछ बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर, चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब काला नमक,
नींबू का रस, अगर आपको नींबू का रस ना पसंद नहीं है तो कम ही डालें, हरा धनिया कटा हुआ, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे सारे चाट रेडी हो चुके हैं।